जहानाबाद में होमगार्ड की बहाली का आज दूसरा दिन है। सुबह से ही कड़ी धूप निकल गई थी और इसी गर्मी में अभ्यर्थियों को बहाली की प्रक्रिया में शामिल होना पड़ रहा है, जिसकी वजह से अभ्यर्थी काफी परेशान हैं। अभ्यर्थियों ने बताया कि पहले तो बहाली में 10 साल से ऊपर लग गए और अब बहाली हो रही है तो कोई सहूलियत नहीं दी जा रही है। सर, रक्षा गृह बहाली के लिए दौड़ के लिए 2011 में फॉर्म अप्लाई किया था हमने। अच्छा। और 2022 में इसका आया है, जो कि 15-20 दिन पहले हम लोग को जानकारी हुआ। हाँ। तो हम लोग सवेरे 4 बजे मॉर्निंग में दौड़ना स्टार्ट किए। हम लोग विश्वास नहीं था कि मतलब ऐसा सरकार का इतना पीछे से भी आ सकता है। इसके कारण मतलब टाइम भी देख रहे हैं, 12-1-2 बजने जा रहा है। तो सर ऐसा दिक्कत तो आएगा ही। कितना साल बाद बहाली हो रहा है? 11 साल के बाद सर आया सर। अच्छा, तो उस समय भरे थे क्या स्थिति? 1981 एज था सर, 4/1981 था डेट ऑफ बर्थ। जी सर। अच्छा, तो अभी उस समय उम्र क्या थी आप लोग? क्या सर, उम्र कितना थी उस समय? उस टाइम मुश्किल से था 25। अब अभी कितना हो रहा है? अभी 42 साल हो गया सर। 42 साल हो गया। जी सर। तो ऐसे में कैसे दौड़ पाएगा? दौड़ेंगे, कोशिश तो करेंगे सर। अब कहावत है कि सब खाकर कुछ पछताना है, इसे विशेष क्या करना है। अच्छा, इसके लिए तैयारी भी सरकार को कुछ सोचना चाहिए था। अगर यही चीज़ निकलना था सर तो कम से कम 6 महीना पहले कम से कम इस चीज़ को करना चाहिए था, तो कुछ कुछ टाइम मिलता सर। उम्र के हिसाब से कुछ भी होता है सर। उस टाइम जिस टाइम हम लोग फार्म भरे तो उस टाइम जज्बा कुछ अलग था, ताकत कुछ अलग था। अब इस टाइम कुछ और हो गया। अच्छा। इसमें धूप में हम लोग पड़ गए तो सर दिक्कत तो आएगा ना सर। फर्स्ट बार जो सवेरे 6 बजे मॉर्निंग में काम हुआ उन लोग का तो निकल सकता है। हम लोग को दिक्कत हो गया, जमीन भी देख गया, ऊपर से भगवान का भी तो लक्षण। सरकार को इस पर थोड़ा सा कुछ ध्यान देना चाहिए सर। बताइए, अगर इसका अप्लाई भी होता तो मतलब 6 महीने साल बहुत टाइम मिलना चाहिए था। जो 11 साल के बाद सरकार ने दे रही है हम लोग को बेनिफिट, मतलब आप लोग किया जाएगा कि और कुछ टाइम देना चाहिए तैयारी करने का सर। अच्छा, तो इसकी अभी तैयारी किए थे कि नहीं? तैयारी कहाँ किए सर, इस सोच के 15-20 दिन पहले हम लोग को जानकारी हुआ है सर। बता दें कि साल 2011 के जून माह में होमगार्ड की बहाली के लिए विज्ञापन निकाला गया था। होमगार्ड बनने के लिए 12,044 अभ्यर्थियों ने आवेदन दिया था, लेकिन बहाली प्रक्रिया अब शुरू हुई है। बता दें कि जिले में होमगार्ड के कुल 229 पदों पर बहाली होनी है, जिसके लिए बहाली प्रक्रिया 25 जुलाई तक चलेगी। जहानाबाद से बोलता बिहार के लिए मुकेश की रिपोर्ट। इस खबर के बारे में आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। साथ ही अगर आप यह वीडियो फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।